नमस्कार दोस्तों, आज हम अपने वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं बच्चों के दांत निकलने के कुछ मुख्य लक्षण। दोस्तों, बच्चों के दांत निकलने का इंतजार हर अभिभावक बेसब्री से करता है, क्योंकि दांत निकलना मतलब अब बच्चा कुछ खा पी पाएगा। लेकिन दांत जब निकलते हैं तो अपने साथ कई तरह की परेशानियां लेकर आते हैं। दांत निकलते समय बच्चे को दस्त या अन्य कई छोटी मोटी परेशानियां झेलनी पड़ती है। ऐसे में उनका पूरा ध्यान रखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। जन्म के कुछ महीने के बाद ही जब बच्चे का पहला दांत आता है तो माँ बहुत ही उत्सुक हो जाती है। वो ये चाहती है कि उसके बच्चे के दांत खूबसूरत और सुंदर निकले। उसके दांत जब निकले तो उसके बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। कई बार सही जानकारी न होने के कारण अक्सर अभिभावक परेशान हो जाते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे बच्चों में दांत निकलने के लक्षण। आमतौर पर दांत निकलते समय बच्चों में कई तरह की बीमारियां हो जाती है। यदि बच्चा कमजोर है तो उसे अधिक समस्या होती है। दांत निकलने के वक्त बच्चे ज्यादातर दस्त से पीड़ित होते हैं। कुछ बच्चे पेट दर्द से और कुछ कब्ज से परेशान रहते हैं। दांत निकलते वक्त बच्चों के मसूड़ों में खुजली, सूजन और दर्द रहता है। गंदी बोतलों से दूध पीने या मिट्टी खाने वाले बच्चे दांत निकलते समय ज्यादा परेशान होते हैं। बच्चों में दांत निकलते समय उनका सर ज्यादा गर्म रहता है, आंखें दुखने लगती है और बार बार दस्त आने की समस्या रहती है। बच्चों के मसूड़े में सख्तपन नजर आता है, उनमें सूजन भी आ जाती है। इस दौरान बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है और अक्सर रोता रहता है। बच्चों के मसूड़े के मांस को चीर कर दांत बाहर निकलते हैं, इसलिए उनमें दर्द और खुजली होना लाजमी बात है। इस तकलीफ से राहत पाने के लिए वह इधर उधर की चीजें उठाकर उन्हें चबाने की कोशिश करता है। इन बातों का जरूर रखें ध्यान। बच्चों के दांत निकलते वक्त उनको केला, उबला हुआ सेब, संतरे का जूस, दाल, खिचड़ी और सूजी की खीर जैसी चीजें खिलाएं। दांत निकलने के दौरान बच्चे को ऐसी चीजें दें जिनमें कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन, विटामिन और मिनरल्स पर्याप्त मात्रा में पाए जाएं। बच्चे को मल्टी विटामिन ड्रॉप्स जैसे विटामिन D3 देना चाहिए। अगर 10 माह तक बच्चों के दांत नहीं निकलते तो बच्चों को कैल्शियम सिरप दें। बच्चों को धूप में लिटाना भी फायदेमंद होता है। धूप बच्चों के दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाता है, क्योंकि धूप में प्राकृतिक विटामिन डी होती है। दांत निकलने के दौरान बच्चा घुटने के बल चलना सीख रहा होता है और जमीन में गिरी चीजों को उठाकर मुंह में डालता है, इसलिए घर के फर्श को साफ सुथरा रखें और डिटोल से साफ करें। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि बच्चा जमीन पर गिरी हुई किसी चीज को मुंह में उठाकर ना डालें। इस दौरान बच्चे को चबाने के लिए प्लास्टिक के खिलौने देते हुए इस बात का ध्यान रखें कि खिलौने गर्म पानी से और साफ तरीके से धुले हुए हों, उनमें किसी भी प्रकार का कोई कीटाणु ना हो। इसके अलावा आप बच्चों के हाथ में खाने की कोई ऐसी चीज दे सकते हैं जैसे गाजर, बिस्किट आदि के टुकड़े, जिससे उसे मसूड़े की खुजली से राहत मिले और उसकी सेहत भी ठीक रहे, उसे किसी भी प्रकार से कोई हानि ना हो। आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके बच्चों को दांत निकलने के दौरान जरा सी भी परेशानी ना होगी। परेशान ना हो, 6 माह से 1 वर्ष के भीतर बच्चों के दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। अक्सर पहले नीचे के दांत, उसके बाद ही ऊपर के दो दांत निकलते हैं। यदि बच्चों के दांत निकलने में निर्धारित समय सीमा से थोड़ी देर हो या अगर ऊपर के दांत पहले आए तो घबराना नहीं चाहिए। बच्चों के दांत निकलने की समस्या से निजात दिलाने के लिए आप शहद में सुहागा मिला करके सुबह और शाम उंगली में भरकर उसे बच्चों के मसूड़े पर लगाएं, जिससे उनका हाजमा भी ठीक रहेगा, साथ में दांत भी बहुत जल्दी और आसानी से आ जाएंगे। बच्चों को किसी भी प्रकार से कोई परेशानी नहीं होगी। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।